हाय फ्रेंड्स, मैं हूं पूजा। आप देख रहे हैं मेरा चैनल दैट पिंकिश गर्ल। तो आप देख सकते हैं कोमल मुलायम हाथों का क्या राज हो सकता है। तो आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं अमेजिंग व्हाइटनिंग हैंड ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाली हूं कैसे हम इसको प्रोसेस में लाएंगे। तो आज मैं आपको अमेजिंग हैंड व्हाइटनिंग ट्रीटमेंट बताने वाली हूँ। बहुत ही अच्छा प्रोसेस है गाइस। आपके हैंड में टैनिंग क्यों आ जाती है? सनबर्न की वजह से आप टैन हो जाते हैं हैंड्स और काफ़ी ज़्यादा डल लगने लगते हैं फेस के कंपेयर में। तो गाइस, मैं आज को आपको बहुत ही ज़्यादा सिंपल और ईजी ट्रिक बताने वाली हूँ। इसमें 5 प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप हम सारे प्रोसेस को करेंगे। तो गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल प्रोसेस है, आप अपने घर पर बैठ के इसे कर सकते हैं। एंड मैं आपको एक छोटी सी क्रिस्ट करती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मैं ऐसे ही ब्यूटी हैक्स आपके लिए लेके आती हूँ। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नंबर 1, रिमूव नेल पेन एंड ट्रिम योर नेल। तो सब हम रिमूव करेंगे नेल पेन। रिमूव करने के लिए नेल पेन मैं लूंगी, नेल पेन रिमूवर। गाइस, मैं नेल पेन रिमूव कर रही हूँ, इस वजह से आपने सारा नेल पेन जो है अच्छे से रिमूव कर लेना है नेल पेन रिमूवर से। आप गाइस नेल पेन इसलिए रिमूव कर रहे हैं क्योंकि आज मैं प्रोसेस आपको राइट हैंड्स के लिए। ये इतना अमेजिंग है, आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिए एंड देन रिजल्ट जो है वो शेयर कीजिए। इस पे में जो है मैं नेल पेन रिमूव कर रही हूँ। आपने अपने दोनों हैंड की नेल पेन रिमूव कर लेनी है। मैंने इस वाले हैंड की रिमूव कर ली है एंड देन इस वाले की भी मैं सेम प्रोसेस से रिमूव कर लूँगी। गाइस, अगर आपकी एक्स्ट्रा ग्रोथ है तो उसे आप रिमूव कर लीजिए। मैं यहाँ पर इस वे में सिर्फ नेल कट की हेल्प से इसे कट कर लूँगी, फिर मैं आपको नेल फाइलर की हेल्प से अपने नेल्स को। गाइस, आज हम इसमें बहुत ही अच्छी अमेजिंग इंग्रेडिएंट यूज करने वाले हैं, जैसे कॉफी। कॉफी आपके हार्श सन बर्न को रिमूव करेगी आपके हैंड से परमानेंटली एंड स्मूथ और ब्राइटन लुक देगी आपके हैंड को। एनहेंस करेगी ब्लड सर्कुलेशन जिससे आपका हैंड बहुत ज्यादा ग्लो लगेगा। तो गाइस, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे सब्सक्राइब का बटन है गाइस, उसे प्रेस कीजिए। ऐसे ही आपको हेल्पफुल वीडियो मिलते रहेंगे। एंड बेल आइकन गाइस, कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए आपको नेक्स्ट व्लॉग कौन से टॉपिक पे चाहिए। सो गाइस, हमें अपने हैंड डिप करने हैं हॉट वाटर में। आप देख सकते हैं मैंने हॉट वाटर ले लिया है, टब लिया है, उसके बाद मैंने हॉट वाटर लिया है। यस गाइस, तो आपने सिर्फ इसमें पानी ही नहीं डालना है, इसमें ऐड करना है मैजिकल शैम्पू। आप इसमें ऐड कर सकते हैं कोई भी शैम्पू। तो 2 टेबल स्पून में शैम्पू ऐड कर रही हूँ लगभग। एंड देन इसमें ऐड करना है लेमन। लेमन ऐड करेंगे हम। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इसमें लेमन ऐड करना है। पूरा एक लेमन आप में इसमें जो है वो ज़रूरत होगा। लेमन की आपको पता ही है, आपके पूरे स्किन को, डेड स्किन को रिमूव करेगा लेमन एंड बहुत ही ज़्यादा ब्राइटन स्किन देगा आपको। और फिर उसके बाद इसे यहाँ डिप भी कर देना है। इसी तरीके से आपने दूसरा लेमन भी इसी वे में इसका पूरा जो है जूस को निकाल लेना है। सो गाइस, इसमें हमें डालना है 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर। आपने बेकिंग पाउडर डाल दिया, अब अपने हैंड को इसे इसमें इस वे से डिप कर देना है एंड देन आपने लेमन की हेल्प से इसे स्क्रब डाउन करना है अपने हैंड को। इस वे से आपने पूरे अपने हैंड को स्क्रब डाउन करना है। इस वे से आप अपने पूरे हैंड की डेड स्किन को रिमूव करेंगे। आपको इसमें 10 मिनट्स तक अपने हैंड को डिप करके रखना है। गाइस, अगर आपकी नेल्स जो है वो येलोइश है तो आपने अपने लेमन को लेना है और इसे इस वे से लेमन में रब करना है जिससे आपके नेल्स जो है वो बहुत ही इफेक्टिव अच्छे तरीके से ठीक हो जाएंगे। सो गाइस, ऐसे ही प्रोसेस को 10 मिनट्स तक आपने डिप करके रखना है अपने हैंड्स इसमें एंड देन थोड़ा सा और शैम्पू ऐड कर लेना है। लूफे की हेल्प से, ये मैंने लूफा लिया है, इसकी हेल्प से आपने इसे ऐसे रब करना है एंड देन फिर अपने हैंड पे स्क्रब डाउन करना है इस वे से। आप देख सकते हैं इस प्रोसेस को हमें 10 मिनट्स तक रिपीट करते रहना है। 10 मिनट्स तक हमारे हैंड जो है वो टब में रहेंगे। और गाइस, हमने इसमें हॉट वाटर लिया है जो आपके डेड स्किन को अच्छे से रिमूव करेगा। सनबर्न अगर आपका होगा तो उसे भी अच्छे से रिमूव करने में ये हेल्पफुल रहेगा। गाइस, आप देख सकते
पानी का कलर चेंज हो चुका है, इट मीन्स हमारी जो भी डेड स्किन है वो रिमूव होना स्टार्ट हो गई है स्टेप नंबर 2 से। उसके बाद आप रिजल्ट देख सकते हैं, रिजल्ट आपके सामने है, बहुत ही ज़्यादा शाइन आपके जो है हैंड में आ जाएंगे और आपके हैंड भी आपके फेस के लाइक जो है वो शाइन करने लगेंगे। तो अब हम करते हैं स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 है हमारा एक्सफोलिएशन। गाइस स्टेप नंबर 3 की बात करते हैं, उसके लिए हमें 3 इंग्रेडिएंट चाहिए, 1 टेबलस्पून शुगर, 1 टेबलस्पून कर्ड एंड 1 टेबलस्पून कॉफी। ये गाइस हमारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है हमारे अमेजिंग हैंड एक्सफोलिएशन के लिए। सो गाइस हमारी हैंड वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग मास्क जो है वो रेडी होता है इस प्रोसेस से। तो सबसे पहले हमें ऐड करना है शुगर 1 टेबलस्पून, देन मैं ऐड करूंगी कॉफी 1 टेबलस्पून, देन मैं ऐड करूंगी 1 टेबलस्पून कर्ड। सो गाइस इस पे से मैंने जो है वो तीनों इंग्रेडिएंट को ऐड कर लिया है। अब मैं इन तीनों इंग्रेडिएंट का एक फाइनल पेस्ट बना लूंगी। गाइस आप सभी को पता है कॉफी जो है वो हमारा प्रोटेक्ट करती है हमें सनबर्न से एंड हमें स्मूथ एंड ब्राइट स्किन देती है गाइस, और ब्लड सर्कुलेशन आपके स्किन का अच्छा रहे उसके लिए कॉफी बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड मेजर रोल प्ले करती है गाइस। तो आप देख सकते हैं हमारा कॉफी जो है हमारा थर्ड स्टेप हैंड एक्सफोलिएशन का तैयार होता है इतने सिंपल स्टेप से। हमने इसमें ऐड किया है शुगर। शुगर जो है वो हमारा एक स्क्रब का काम करता है जो हमारे स्किन को जो है टायर्ड और डल हो जाती है उसे रिमूव करने के लिए हेल्प करता है। तो शुगर हमारा वर्क करता है इसमें स्क्रब की तरह। उसके बाद गाइस इसे आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है लगभग 1 मिनट के लिए। एंड शुगर हमें जो है हेल्दी एंड हेल्दी ब्यूटी वाइटनिंग फ्लॉलेस स्किन देता है गाइस। एंड बात करते हैं कर्ड की। कर्ड भी एक बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है हमारे स्किन के लिए जो हमारी ड्राई स्किन को हील करने में हेल्प करता है। स्किन ग्लो होती है गाइस इससे और आपकी स्किन बहुत ही इंस्टेंट ग्लो आता है आपके स्किन। तो गाइस ये हमारा जो है हैंड एक्सफोलिएशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं कितने इजी तरीके से हमने हैंड एक्सफोलिएशन तैयार किया है। अब हम इसे अप्लाई करते हैं। इसे अपने हैंड पे आपने इस वे से अप्लाई करना है गाइस। आप देख सकते हैं आपने इस वे से इसे जो है अप्लाई करना है। तो गाइस आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है हमारी कॉफी ने इस टाइम पे एंड शुगर ने और कर्ड ने। तो आपको चाहिए ग्लोइंग एंड बहुत ही परफेक्ट स्किन, तो आप इस हैंड मास्क को या हैंड एक्सफोलिएशन को आप 1 वीक में 3 टाइम्स अप्लाई कीजिए। आपने इस वे से इसे स्क्रब करते हुए जाना है एंड अपने पूरे हैंड पे अप्लाई करना है गाइस। आप देख सकते हैं कितना प्रॉपर जो है हमारा प्रोसेस जो है वो तैयार होता है। बहुत ही ज्यादा अमेजिंग ट्रिक है, आप जरूर से अप्लाई कीजिए एंड देन मेरे साथ रिजल्ट शेयर कीजिए। गाइस अगर को ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज गाइस इसे लाइक जरूर कीजिएगा गाइस, तो मुझे भी पता चले कि आपको कितनी ये वीडियो जो है वो पसंद आई है। तो गाइस लाइक दिस आपको जो है वो स्क्रब करते जाना है कम से कम 4 to 5 मिनट्स के लिए। तो गाइस आप खुद ही देखेंगे कि आपके स्किन में कितना ज्यादा फर्क। तो ये था हमारा स्टेप नंबर 3। सो गाइस अब हमारा लास्ट स्टेप बचता है जो कि है मॉइस्चराइजिंग का, जिससे आप अपनी स्किन को क्या करेंगे मॉइस्चराइज करेंगे। तो हैंड मॉइस्चराइजिंग का हमारा लास्ट स्टेप रहता है। इसे आपने गाइस लगभग 4 मिनट्स के लिए ऐसे ही रब करते जाना है, स्क्रब लाइक दिस फॉर 4 to 5 मिनट्स। गाइस ये बहुत ही अच्छे स्टेप है और इजीली आपके घर में मिल जाते हैं। लॉकडाउन की वजह से आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो इस वजह से आप अपना इतना अच्छा हैंड वाइटनिंग वाला जो है
ये अमेजिंग ट्रिक फॉलो कीजिए एंड आप खुद ही ग्लो स्किन पाएंगे गाइस। तो आपको इसे इस वे में 4 to 5 मिनट्स हो गए हैं मुझे स्क्रब करते करते, अब आपको इसे रखना है लगभग 10 to 15 मिनट्स के लिए अपने स्किन पे। सो गाइस फिंगर के आगे भी जो है काफी लोगों का बहुत ज्यादा ही टैन होता है या सनबर्न होता है, तो आप इसको इस वे से भी रब कर सकते हैं। तो ये स्टेप नंबर 1 आपका इसका स्क्रबिंग का रहेगा। इसे अप्लाई किए हुए ये हमारा था हैंड एक्सफोलिएशन। हैंड एक्सफोलिएशन का हमारा प्रोसेस जो है नंबर स्टेप नंबर 3 कंप्लीट होता है 10 मिनट्स के साथ। वरना मैं आपको सिर्फ नॉर्मल पानी से वॉश करके दिखा रही हूँ, अगर आप इसे हॉट वाटर के साथ देखिए गाइस कितना अच्छा हमारा लुक आता है वॉश करने के बाद, कितना व्हाइटनिंग हमारी स्किन हो चुकी है आप देख सकते हैं। ये देखिए गाइस रिजल्ट आपके सामने है, कितना अच्छे तरीके से व्हाइटनिंग, कितना फाइनेस्ट लुक आया है। और आप देख सकते हैं मेरी डेड स्किन थी बट वो इस स्टेप नंबर 3 को करने से रिमूव हो चुकी है आपके। लगभग इतने क्वांटिटी में कोई भी क्रीम ले ली है एंड देन मैं इसे नॉर्मल मॉइस्चराइज करने के लिए अपने स्किन को अप्लाई कर रही हूँ अपने हैंड पे। आपने बिल्कुल थिक लेयर लेनी है जिससे आपकी जो है स्किन पूरी अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज हो सके। इस वे में मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ गाइस, तो आप देखिए कितनी अच्छी तरीके से जो है रब करना है।